हाय एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं नॉर्थन एरियाज की तरफ। मैंने अभी भी पैकिंग की है और अब मैंने टैक्सी मंगाई है और अब निकलने लगे हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, होपफुली ये बहुत अच्छा ट्रिप रहेगा और सारी डिटेल आपको भी मिलती रहेगी। और बस ऑलरेडी लेट हूँ तो जल्दी में हूँ, तो बस में बैठ के फिर आपको आपसे दोबारा से बात होती है। मैं आ रही है छोटी सी वीडियो बना। तो ये हमारी बस रवानगी के लिए तैयार है और लाहौर में ठोकर न्याज बेग पे जो डाइवो का स्टेशन है उसके बाहर बस आई थी। और ये अब हम जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ और काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो सारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, बहुत इंजॉय करते हुए। तो ये अब हम थके हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था गपशप लगाते हुए और बहुत अच्छा सफ़र जा रहा था। इस्लामाबाद से कुछ और फैमिलीज़ ने भी हमें ज्वाइन किया और ये एबटाबाद हम पहुंच गए हैं। एबटाबाद की टनल है ये, बहुत प्यारी थी तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। अब हम हैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए और सारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया। लेकिन अब आके बहुत बुरा हाल हो रहा है भूख से, थकावट से। तो यहाँ हम रुके थे नाश्ता करने के लिए, तो थोड़ी देर का यहाँ पे स्टॉप होगा, नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर से ट्रैवल करेंगे। तो ये अब नाश्ते के बाद दोबारा से ट्रैवल शुरू हो गया है और एज़ यूजुअल बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी बस थोड़ी देर बाद हम एक और जगह स्टॉप करेंगे। ये यहाँ पे हम लोग चाय के लिए रुके थे और यहाँ पे एक बंदा बहुत ही मज़े के समोसे और पकौड़े वगैरह फ्राई कर रहा था, तो जो मुझे वैसे ही बहुत बहुत पसंद है। तो फिर हम यहाँ पे चाय के लिए रुके। किस चीज़ का पकौड़ा है ये? मिक्स पकौड़ा है, ये आलू का समोसा है, ये खाओ भी बात है। नहीं समोसा नहीं, पकौड़ा चख लो। पकौड़ा थोड़ा सा ले लो। ले 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 लो, ले ले कराची वाला समोसा है। हाँ चीज़ का सर ये छोटा पट्टी वाला है ना। खूबसूरत है यार, वन। तो ये हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है, अभी बस सो के उठे हैं। थोड़ी देर पहले हल्का सा नाश्ता किया, नहीं पराठे का नाश्ता किया और अभी हम तैयार होने लगे हैं आगे जाने के लिए। आज जाएंगे स्कर्दू, अभी हम चलास में, तो यहाँ से आज जाएंगे स्कर्दू। और चलास में बिल्कुल पंजाब जैसी गर्मी है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सर्दी होगी, तो मैंने काफ़ी ऊनी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल पंजाब जैसी गर्मी है। बस अभी कमरे में मैस पड़ा हुआ है, देखिए तैयार होंगे और निकलेंगे थोड़ी देर में, तो देखते हैं कहाँ कहाँ आज हम जाते हैं। और यहाँ पे सब पाकिस्तानी म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं और जो बस में कुछ लड़के थे वो डांस करना भी शुरू हो गए और छोटे बड़े सब इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सा माहौल बना हुआ था, एक फ्रेंडली बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था और सारा ग्रुप बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत केयरिंग थे एक दूसरे के लिए।
और सफ़र को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत अच्छा गुजरा, जाते हुए सफ़र का पता भी नहीं चला। इंजॉय करते हुए जगह जगह रुकते, खाते पीते, पता भी नहीं चला कि इतना लंबा सफ़र कितनी आसानी से गुज़र गया और कितना यादगार हो गया। और ये एक जगह ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए और लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो वो हम वेट कर रहे हैं। और बहुत प्यारी जगह थी, आप देखें ये। तो बस इधर तकरीबन 1 आवर तक हम लोगों ने वेट किया था। अब हम निकाल रहे हैं पानी में बैठे। हाँ बैठ नहीं, क्या पानी बहुत ठंडा है। सर्दी एक मेरे कैमरे से कर दी बनाओ जितनी मर्जी ऐसा तो नहीं है। अच्छा अच्छा इस तरह ठीक है, नया फोन सब लोग नोट कर रहे हैं। अरे वीडियो बना रही हो फोटो गंदम और आटा स्टोर करके रखे इसके अंदर खराब इसके अंदर इस बक्स के अंदर ये स्टोरेज बक्स है। आ जाए कमरे कमरे रूम पता है आपको पता नहीं ये चाबी हाथ में आगे ही ना ये दस जाके ये सीढ़ियों से आप ऊपर जाए। बाकी इसमें दरवाजा छोटे लगाने की 3 रीजन होता था। उस वक्त राजा के सामने आते वक्त सर झुका के आते थे, इसके दरवाजे छोटे लगाते थे। दूसरी बात ये है जब राजा के ऊपर किसी दुश्मन हमला लेके सर झुका के अंदर आए तो उसकी गर्दन निकालने के लिए आसानी होता था। तीसरी बात सर्दियाँ भी ज्यादा होता था इसलिए भी दरवाजे छोटे लगाते थे। दरवाजे छोटे लगाने की वजह से अंदर हवा कम आता था। आ जाए आपसे क्योंकि ये इनकी पहले से। तो ये क्या था सर? ये जगह उस वक्त की उनकी दरबार था, इधर दरबार लगते थे। अभी बाद में इसको म्यूजियम बनाया गया है। इसकी ये छत पुरानी है, आगे वाला नया बनाया गया है।
ओरिजिनल है इसकी। बाकी इसमें जितने भी ये कार्विंग हो चुका है उसी वक्त के पुराने कार्विंग है, ये सारे अखरोट के लकड़ी के ऊपर कार्विंग हो चुका है। ये दोनों सुबह पत्थर के बर्तन है जिसमें खाना पकाता था, ये पानी के कूलर होता था, ये दोनों एक ही पत्थर का बना हुआ है। ये उस वक्त के पुराने पलस्तर है, इसमें अंडा भूसा मट्टी रेत और चूना इस्तेमाल करते थे। उस वक्त सीमेंट नहीं होता था, सीमेंट की जगह पे इस तरह की चीज़ें। वो अली बाबा 40 में ऐसे ड्रम होते थे बिल्कुल ऐसे, बस इसका ढक्कन नहीं है। अब ये ना कहना यहाँ पे तस्वीर नहीं बनाना, चुप बैठो। नहीं यहाँ तो मैं बैठ जाऊँ, तस्वीर बनाऊँ। ये देखिए मैम, ये इसका अभी का रिसेप्शन बनाया गया है। अच्छा, ये सारे अवार्ड मिला है सरीना शिखर को के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये आप इधर से आप देख सकते हैं, ये ड्रैगन है, ये चाइनीज की मजहबी अलामत है, ये बुद्धिज़्म की मजहबी अलामत है, ये आगे वाला अशोका है, इससे आगे वाला हिंदुज़म की मजहबी अलामत है, वो मुसलमानों की अलामत है। उस वक्त ये फोर्ट बनाते वक्त हर मजाहिब के कारीगर शामिल होता था, उन लोगों ने अपने अपना अपना साइन बना के। ये हम तो है। ये देखें मैम, ये हमारा रॉयल स्वीट है, ये बालकनी वाला हमारा इसके सेटिंग रूम है, इसके साथ ये बेडरूम आते हैं, इसके साथ आपको एक टेरेस आते हैं, सबसे बड़ी वाला और सबसे महंगी वाला कमरा ये है, ये 32,000 वाला कमरा। सारे कमरों में आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप पर एक फास्ट कमरे में चीज़ होती है। ये देखें तो इसके अभी चैनल बनाए हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे चैनल बनाए गए, ये अभी कमरे में ये देखें सर। और ये जगह भी बहुत अमेजिंग थी, ये स्कर्दुगा कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी, हॉर्स राइडिंग हो रही थी और भी बहुत कुछ था एंटरटेनमेंट का। तो मेरी फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग थी हॉर्स राइडिंग में, तो उसने की लेकिन मैंने नहीं की, मुझे डर लगता था तो बस, लेकिन मैंने देख के खूब एंजॉय किया। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट के स्टॉल्स भी थे जहाँ पे काफ़ी सस्ता ड्राई फ्रूट था, कुछ हमने बाय किया। ड्राई एप्रिकॉट्स बहुत अच्छी और बहुत सस्ती थी तो वो हमने ली कि चलो यहाँ की एक सौगात ले जाएं लाहौर को, एक स्पेशल चीज़ होगी, और बहुत मज़े की थी वो। तो ये अभी हम वो ले रहे हैं। डूबते सूरज की तस्वीर बन रही है, बनती जी ये डूबते सूरज की तस्वीर बन जी यहाँ डूबते सूरज की तस्वीर बन रही है। कहाँ बन गई? यहाँ यहाँ चल गई, जाते जाते वीडियो बनाओ, आप फोटो बना लो, पोज बनाओ, कौन सा पोज बना लो, देखती होगी। और ये शाम के वक्त जब वापसी करने लगे तो पता चला कि गाड़ी ख़राब हो गई है और सब लोगों ने धक्का लगाया, बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी मटीन से निकल नहीं रही थी।
और बुरी तरह से मिट्टी में फंसी हुई थी और सारे लोग कोशिश कर रहे थे। तो जब काफ़ी देर गुजर गई तो ये लड़के मजाक कर रहे थे कि नहीं निकल सकते, और हम लड़कियां कह रहे थे कि निकल आएगी। तो काफ़ी देर बाद बहुत मेहनत के बाद आकर निकल आई, तो सारे हम लोग एक्साइटेड हो गए। ये देखें बस अभी थोड़ी देर में निकल आएगी। नहीं निकली, और ये गाड़ी निकल आई है और हम उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। अब दो नफर बनने जा इसका तो सारे का सारा बहुत प्यारा है। आप देखें यहाँ का पानी कितना साफ है और बहुत ही खूबसूरत। थोड़ी थोड़ी देर के बाद खूबसूरत व्यू सामने आता था कि मैं हैरान रह जाती थी कि किस कदर खूबसूरत है ये। तो बस एक नई डेस्टिनेशन की तरफ रोज़ाना हम लोग जाते थे और बहुत बहुत इन्जॉय करते थे। और मेरे लिए तो सब कुछ नया था, मैंने तो पहली बार यहाँ पे ये सब देखा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर बहुत ही अमेजिंग लोग थे सब, बहुत केयरिंग और बहुत लविंग, बहुत अच्छे थे सब लोग। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये व्यू तो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो अभी हम एक नए स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। कहा था कि यहाँ पे सर्दी नहीं होगी, तो आपने क्यों कहा था? मैंने ये यहाँ पे मरीज से ज्यादा सर्दी है। मैंने आपको सुबह ऑफर की आपको जैकेट रख लें। नहीं नहीं, तुमने कहा था इतनी सर्दी नहीं होती, मैंने सिर्फ लॉन का कुर्ता पहन लिया, लॉन की शर्ट पहन के आ गई और यहाँ कुल्फी जम रही है। और मैंने ऊपर से आप कुछ नहीं पहनना क्या? ये क्या चीज है भाई? अच्छा या तो यही डर लगता है पानी में ना गिर जाए, हर तरफ पानी पानी पानी। इस पानी की वजह से इतनी खूबसूरत तस्वीर खींच के ये क्या है भाई? आपका स्कूल कहाँ पे है? स्कूल का है? सारे बच्चे आगे दूर है। अच्छा लेकिन मैं नहीं आऊंगी बीच में, अतिया आ रही है। लेट्स गो, इतना प्यारा नाला है, पानी पीना है तो पी लो।
अच्छा बात सुने, इनको इनको बुलाना। आपका मोबाइल एंजॉय करो, वहाँ क्या कर रही हो? आपका मोबाइल सीधा उधर जाता है। खुबानिया ये लो मेरे पास है। अतिया लेनी है? ये ऊंचा है नीचे। आगे आओ, इनका फोन दे दिया। हाँ मूवी बन रही है हमारी। यस ये वो जगह है। हाँ कौन सी जगह? अपर कचूरा ठीक है, और बहुत खूबसूरत है। आप जब भी आए उस रास्ते को इस्तेमाल करने की बजाय पकड़ने को इस्तेमाल करें, ठीक है? आप इंजॉय करेंगे, ठीक है? ग्रेट इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा। आ जाए, बहुत खूबसूरत है। अच्छा इस दरख्त की हिस्ट्री ये है, ये शतूत का दरख्त है। हाँ हाँ यहीं से उस लड़के ने ये शतूत तोड़ के दिया था। अच्छा, और वो जो लगे हुए वो जो आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं वो खुबानियाँ हैं। ठीक है, वो जो ठीक है वो खुबानी है। ऑरेंज ग्रीन शायद एप्पल है। हाँ ठीक है, गौरव अब बेटा यहाँ बैलेंस देखना। बहुत प्यारा रास्ता है ये। आप क्या कर रहे हो? इसको ड्राई कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। सील आपको यहाँ से पूरे नजर आता। अच्छा इसका जी एक दफा देख के जाओ। ठीक शुक्रिया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गांव का नाम पूछ। गिनने लगी थी मैं। इसको आगे बुलाओ। पिया अभी मम्मा के पास आ जाओ। अतिया मैं भी आऊँ उधर। जैकेट पहननी है? हाँ मैं नहीं पहन रही है जैकेट। तो मैं क्या बोलना था? यस वहाँ एक दर्द की टहनी थी वो भी नहीं है। वो है वो दर्द कल परसों ही डूब गए हो। यहाँ ऊपर पहाड़ के बारे में भी किस्सा मशहूर है, उन्होंने सुनाया था वो किस्सा। क्या और अब वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए हम कागान नारान से होकर जाएंगे और ये सफ़र में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप और ये अब हम नारान की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत था और बादल थे बहुत ज़्यादा, बहुत क्लाउडी सा वेदर था, तो रास्ता सारा बहुत अच्छा गुजरा हमारा और बहुत थका देने वाला वैसे ये सफ़र है, बहुत ज़्यादा लंबा, लेकिन अच्छा रहा। और लेकिन एक चीज़ थी कि नारान स्कर्दू की नस्बत इतना मुझे खूबसूरत नहीं लगा। अच्छा है लेकिन स्कर्दू ज़्यादा प्यारा है और नीट एंड क्लीन भी स्कर्दू और गिलगित ज़्यादा है। नारान में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, रश है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो ये अब हम इंजॉय कर रहे हैं, अब वापस लाहौर की तरफ चल पड़े हैं।
तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।